आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान आरक्षण बिल के विरोध में स्पॉक्स ने आमरण अनशन की घोषणा की है। दरअसल 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान आरक्षण बढ़ाओ बिल संसद में पेश होगा। इसमें आरक्षण की अवधि आगामी 10 साल के लिए और बढ़ाने की मांग रखी जा सकती है, जिसको लेकर स्पॉक्स के 1 दिसंबर से दिल्ली के रामलीला मैदान पर आमरण अनशन करने जा रही है। इसको लेकर पूरे देश से सपा के कार्यकर्ता रामलीला मैदान पर आमरण अनशन करेंगे और यहां से कुछ कर संसद भवन जाएंगे। स्पॉक्स का कहना है कि वह आरक्षण को बढ़ाए जाने के बिल के विरोध में है। 70 वर्ष से जो आरक्षण का प्रावधान चालू है उसके विरोध में ली हम चाहते हैं कि हर हालत में उस पर समीक्षा होनी चाहिए। क्रीमी लेयर को आरक्षण बंद करना चाहिए। जिस तरह से मोदी जी रोज हर इतवार को महीने के रविवार के दिन आकर मन की बात करते हैं, मन की बात में वो ये कहते हैं कि गैस की सब्सिडी छोड़ दीजिए, आप ट्रेन की सब्सिडी छोड़ दीजिए, वृद्धाजन सिटीजन सब्सिडी छोड़ दीजिए, लोग मानते हैं और छोड़ते भी हैं। तो हम कहते हैं वो ये क्यों नहीं अपील करते कि क्रीमी लेयर अपनी सब्सिडी छोड़ दे, आरक्षण के लोग अपनी सब्सिडी छोड़ दे, इस पर वो बात क्यों नहीं रखते। उनको तत्काल प्रभाव से ये बात रखनी चाहिए। हम 1 तारीख को दिल्ली में रामलीला मैदान में सपाक्स पार्टी इसके विरोध में प्रदर्शन करेगी और 1 तारीख के बाद 1 दिसंबर के बाद सपाक्स पार्टी के पूरे देश के 5,000 लोग हर सांसद के घर घर जाकर के ये दस्तक देंगे कि आप जब मन की बात पर मोदी जी की बात की सहमति देते हैं या जो उन पार्टी में नहीं है अन्य पार्टियों में है वो भी क्यों नहीं आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं। हर हालत में इस सदन में इस कार्यकाल में लोकसभा के कार्यकाल में आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। बिना समीक्षा के किसी भी हालत में आरक्षण प्रावधान लागू नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है। आपका नाम? मैं ठाकुर जोगेंद्र सिंह मदौरिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सपाक्स पार्टी।